आज हम हमारे किचन में बनाने वाले हैं ब्रेड रसमलाई, जिसके लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है मिल्क ब्रेड का। आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हाफ़ कप से थोड़ी सी कम हमने शुगर लिया है। 10 पीसेस ऑफ पिस्ताचो को इस तरह से मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही हमने सेम क्वांटिटी लेके आलमंड एंड केशव नट लिया है, इसे भी हमने रफली चॉप कर लिया है। सेफ्रॉन लेंगे एंड 1 लीटर मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है। सबसे पहले हमें मिल्क को बॉईल करना रखना है। यहाँ मैंने बफेलो मिल्क का यूज़ किया है, आप यहाँ काऊ मिल्क का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। काऊ मिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा थीन होता है, एंड हमें इस प्रोसेस के लिए, इस रेसिपी के लिए थीक वाले मिल्क का ही यूज़ करना है। तो गैस की फ्लेम को हाई रख के हमें पहले से फर्स्ट बॉईल आने देना है। जैसे ही फर्स्ट बॉईल आने लग जाए, गैस की फ्लेम को हमको मीडियम रखना है एंड 30 से 45 मिनट्स के लिए अब हम इसे बॉईल करेंगे। इस तरह से बीच बीच में मिलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे से लगे ना, और साइड्स के कॉर्नर को भी हम इस तरह से क्लियर करते रहेंगे ताकि जो मलाई है वो साइड्स में लगी ना रहे। धीरे धीरे जो मिल्क है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस में अब हम यहाँ पे डालेंगे शुगर। शुगर आप अपनी क्वांटिटी के, अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग डालें। तो जैसे जैसे हम ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करते हैं, दूध में एक गाढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब हम सेफ्रॉन डालते हैं तो बहुत प्यारा सा येलो कलर हमें मिलता है। जिस तरह से हम मार्केट वाली रसमलाई खाते हैं, सेम वैसा ही कलर हमको सेफ्रॉन से मिलता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे फूड कलर का यूज़ ना करें। नेचुरल सेफ्रॉन से जो कलर आता है वो इनफ होता है, तो आप यहाँ पे सेफ्रॉन का ही यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो दूध है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा कम हो चुका है अब हमारा ये मिल्क। तो अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं सारे कॉर्नर्स मैंने क्लियर कर लिया है। तो ये रेसिपी मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई थी और मुझे बहुत मज़ा आता है इसे हमेशा बनाने में। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हमने यहाँ पर एक ग्लास का यूज़ किया है, आप यहाँ पर कोई कटोरी या कुकी कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो बची हुई ब्रेड है इससे आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसे हल्का सा रोस्ट करके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। एंड इस 1 लीटर मिल्क से आप टोटल 7 जो हैं 7 पीसेस ऑफ रसमलाई, ब्रेड रसमलाई बना सकते हैं। मैंने अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे 4 रेडी किया है। और अब जो है रसमलाई पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, इसे मैंने 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। इसे का फ्लेवर और इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ रोज़ वाटर का यूज़ किया है। एंड ये है नटमेग, जिसे हम जायफल बोलते हैं। इसको हम 2 से 3 टाइम्स बस ग्रेट करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो आप ज़्यादा इसे ग्रेट ना करें, 2 से 3 टाइम्स इज़ इनफ। मिक्स कर लेंगे अब हम इसे अच्छी तरीके से। एंड याद रखें, गरम गरम जब हमारी रबड़ी होंगी हमें तभी इसके अंदर ब्रेड नहीं डालना है, अदरवाइज़ आपकी जो ब्रेड है वो तुरंत से टूटने लग जाएंगी। तो रेफ्रिजरेट कर लिए इसे, एंड उसके बाद आपको उसको 30 सेकेंड ब्रेड को डिप कर लेना है कुछ इस तरीके से, ताकि जो रबड़ी है वो आपकी ब्रेड में पूरी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, वो पूरी रबड़ी अपने इसमें एक सॉफ्टनेस आ जाए एंड बिल्कुल छीने वाली फीलिंग आएंगी। आप इसको एक बार टेस्ट करेंगे तो, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे जो नटमेग एंड वाटर, रोज़ वाटर यूज़ किया है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फर्स्ट पीस रख लिया है। इसी सेम प्रोसेस से हम इसे एक और बार एक ब्रेड को डिप कर लेंगे। एंड हमारे घर पे ये बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है, हमारे घर पे बनते ही रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ में भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। थोड़ी सी रबड़ी हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स के साथ में हम यहाँ पे इसे गार्निश करेंगे, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर आलमंड्स, केशव नट एंड यहाँ पे सेफ्रॉन, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट आप रबड़ी में से ज़रूर डालें। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय करिए इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।